रे अनेक गोटे प्राण जय जगन्नाथ आपण मान प्रिय कार्यक्रम सकल घटे नारायण आश्रय को मो शरणार बिंदा आपण मान स्वागत कर। दर्शक बंधु जारी रही आमर आलोचना विभिन्न जीवजंतु को नहीं और आपण मान निकट में यह प्रमाण करने को भारतीय शास्त्र रे आम लोककथार आम संस्कृति रे आम परंपरा रे आम जीवनधारे आम जो जो जीवों को देखुचु जो जो पशु को देखुचु आ जो जो पक्षी की देखुचु से अवदान कौन कम नुह आम भारतीय संस्कृति में। तबे विगत अध्याय मानक आम आलोचना करें माछु को नहीं एवं माछु को नहीं ये अध्याय जारी रखा आलोचना आज आलोचनार प्रसंग से माछ। दर्शक बंधु गत दुई अध्याय माछ विषय आलोचना कला बेले आम आम शास्त्र रे आम पुराण रे आम लोककथारे जोटी जोटी माछु को नहीं जहाँ जहाँ सुंदर वर्णना अच्छी से सबू विषय रे आम आपन को जणैछु। तबे दर्शक बंधु गत अध्याय आम आलोचना करुले किभली भाव में मत्स्यावतार ग्रहण करते भगवान एवं किभली भाव में मत्स्य माध्यम पलटि जदुकूल विनाशर एवं किभली भाव में महाप्रभुंर परम भक्त मनै साहू कथा उठिले आपणा छाएँ माछर कथा उठे एवं अंचल साबरी मंत्र व साबरी तंत्र से धाड़ी कांडगोदा मनै साहू माछ कंटा पेट को जाऊ आज भी प्रभावशाली ओडिशार गाँ गंडारे आज भी खुआई देला बेले पिलाटी पाटी जदि कंटा लगी जाए माँ आज पुओ को धरी गाए कांडगोदा मनै साहू माछ कंटा पेट को जाऊ कांडगोदा मनै साहू माछ कंटा पेट को जाऊ। तबे माछ विषय रे एते सब व्यापक आलोचना कला बेले मु आपण को नहीं जीवाकु चाहूँगी महाभारतीय युग को। जेतबले महाभारतीय युगरे मत्स्यगंधांग चरित्र आसीछि सेतबले देखा देछि जे मत्स्यर जहा जहा लक्षण मत्स्यकन्या मत्स्यगंधा अर्थात देहरु दुर्गंध आसुथिबो शरीर उपरे माछी बसुथिबे पराशरंग भली मुनि व्यासंग भली परम स्रष्टांकर जी माँ हवाकु जाउचंती जी पराशरंग उत्तराधिकारी ही जगत को आसीबाकु जाउचंती व्यास आम शास्त्र एमितिरे कहे व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नम वै ब्रह्म निधये वशिष्ठाय नमो नमः नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलार बिंदाय च पत्र नेत्रा जेन तया भारत तैलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीप ज्ञानर प्रदीप जी व्यास तांका जननी होचंदी मत्स्यगंधा एवं गोटे मत्स्यर शरीर में जहा जहा लक्षण ताहा तांका पाखे अछि। आपण कहबे ताहार प्रमाण ना जेतेबेले पराशर मत्स्यगंधांग निकट को आगौचंदी मत्स्यगंधा आकुति करी कहउचंती मो शरीर दुर्गंधयुक्त गोटे मत्स्यर दुर्गंध जहा मो शरीर दुर्गंध सेया गोटे मत्स्य जो जो गुणधारी मु मध्य सेही गुणधारी आपण मत स्पर्श करूँ ना पराशर कहते आज आपण ना मत्स्यगंधा रहा ना आज आपण ना हम जोजनगंधा क्या सुंदर लिटरेरी कनसेप्ट ना जोजनगंधा अर्थात ना आप जोटी रे जोजन जोजन जाए मल्लीर महक बासु क्या सुंदर कथा से मत्स्यगंधा हेले व्यासंक जननी महापुरुष अच्युतानंद मालिका हो हाड़ीदास मालिका हो बलराम दास भविष्य शास्त्र हो जगन्नाथ दास भविष्य शास्त्र हो महापुरुष शिशुआनंद भविष्य शास्त्र हो से कौट ना कौटी माछु को नहीं वर्णना अच्छी आपन कहे माछु को नहीं मालिकार कौटी वर्णना अच्छी मन पकई दूसरी आपन को जो महापुरुष अच्युत कहते चर्चिका और साराला को नहीं भविष्यवाणी कर पृथ्वी केतबले प्रलय हम कहते चितल माछर कंटालो बौल बौला कुंभीर हाड़ ना कौन हे ना रेणुका तीरु झंकड़ को जीव रेणुका तीरु रेणुका नदी तीरु ये मैंने झंकड़ को भासी भासिकी जीवे जानबू बुड़ीला बेल जेतबले चितल माछर कंटा भासी भासी रेणुका बुझी पड़ुचंती बांकीर आराध्या देवी चर्चिका परशुरामकर माँ हेले रेणुका रुचिक पर्वत रहिले माँ चर्चिका रुचिक पर्वतर पाद देश में महानदी गोटे शाखा नदी ही बही जाइए रेणुका नदी से कहते से रेणुकारु भासी भासिकी झंकड़ को आसब से जानबू ता सहित बौला कुंभीर हाड़ आसब जानबू बेल होगला बेल पूरीगला पुणी आहरी माछ मानक रोग हवा कथा एसब विषय में विशद आलोचना अच्छी कौटी ना महापुरुष अच्युतर मालिकार मालिकार मालिका विशारद मैंने विषय आहरी विशेष व्याख्या करी आपण मान निकट में उपस्थापित करेंगे कि जितेबाला श्रीजगन्नाथ पंचसखा कार्यक्रम आम मैंने आलोचना करूँ से माछ को नहीं व्यापक आलोचना होभली भाव में पंचसखा साहित्य में माछ गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं तेज माछ को नहीं सबुठु जहा मनोरम कथा ताहा आपण निकट में मु उपस्थापित करवा दरकार। आपण कहे से मनोरम कथाटी कौन ना आज्ञा मनीष शरीर को प्राचीन साहित्य मनीष शरीर जो विकास को लेकिन आसे प्राचीन साहित्य माछ सहित तुलना कर उत्कलीय संस्कृति रे अनेक साहित्य अनेक रचना प्रतीकात्मक भाव अवतरित तो हुए जनसाधारण निकट में प्राज्ञटीए जिज्ञासुटीए ज्ञान पिपासुटीए कौन करे ना से प्रतीकरू अनेक कथा जानीपे। आपण कहे तेल माछर वर्णना ये कौटी के सुंदर भाव में मत्स्यर वर्णना है कौन कौन ना जीवर तो विकास एमती है जोटा तू जान बड़ माया भी जीव ये नुहे कहारी गीत सहित आम समस्ते परिचित गीतर अंतरारे कौन प्रथम मसे तुझे हेलु धबल वर्ण द्वितीय मासे तुझे जड़े जेसने मीन तृतीय अस्थि खंजा तोहरी ये तोहरी बड़ माया भी जीव ये नुहे कहानी अर्थात तृतीय रे द्वितीय रे द्वितीय मास रे गर्भस्थिति रे गर्भस्थ भ्रूण शुभ्र रंग धारण करे एवं माछ पानी रे पहरला भली क्षुद्र आकार रे पहरिबा को लगे। ये महापुरुष माने प्रमाण कले जे मनीष मध्य मत्स्यर भूमिका निये जेतबेले सीए मातृ गर्भरे थाए एवं यही मत्स्य को नहीं अनेक समय रे अनेक साहित्य सृष्टि जो साहित्य आम मान जीवन को आहरी व्यापक करिछि आम मान जीवन को नुआ नुआ दिशा देछि। तबे मत्स्य को नहीं सृष्टि होइतिबा साहित्य सबु भितरे उपकूल ओडिशार अन्यतम काव्य होछि कलिंग कर्णधार। आपण कहिबे सेठी मत्स्यर भूमिका कौन ना कैवर्त माने एकत्रित होई गोटे विशाल संगठन तैयारी करचंती एवं उद्देश्य पलटिछि तट सुरक्षा सीमा सुरक्षा एवं ये उपकूलवर्ती कैवर्त मानकर काम होला तट सुरक्षा बा कूल सुरक्षा। जेतेबेले कोस्ट गार्ड नथिला एई मत्स्यजीवी माने ही आधार पालटी थिले सीमा सुरक्षार आउ तट सुरक्षार। चांदवाली ठू आरंभ करी चिलिका उपकूल जाए रंभा उपकूल जाए ये सबको जो माने सुरक्षा दियंती सेमाने थिले मत्स्यजीवी। तत्कालीन कटकर मोगल नवाब को भुआ बुले षंढराजा को धरी हाइकिरे मन बाइकिरे गीत गाई गोटाई डंगारे पलि जाऊले मत्स्यजीवी एवं जलपथरे उत्कल को आक्रमण करने सबुठ कष्टकर बाट थिला कारण साहसर आधार थिले यही मत्स्यजीवी वृंद। पिलादिनर बही को मन पकांतु कुजंग ठारू कनिका जाए चली प्रजा मिली गोटे गाँ अच्छी कालियापाट उपकूल ओडिशार कुजंग निकटवर्ती पारादीप निकटवर्ती मध्य इतिहास कहे से गाँवर शत शत लोक तत्कालीन बंगीय नवाब को जलपथरे तड़ी 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 रंभारू नहीं कि गले चांदवाली जाए जाए पड़ा से माने मत्स्यजीवी। आज भी संगठन अच्छी आज भी कालियापाट नाँरे कैवर्त मानकर विराट गोटे सभ्यता अच्छी आपन से पहुँचले देखिपारे गोटे गाँवर इतिहास गोटे मुलकर इतिहास केते गारिमामय हो पारे। आपन एक कथा जानते कि जेतबले श्रीक्षेत्र छाड़ी अन्य कोटी प्राचीन जगन्नाथ मंदिर कथाटी उठी सेतबले सर्वाधिक भूमिका निर्वाह करिसंती एई मत्स्यजीवी माने मत्स्य धरिबा जो मानकर वृत्ति। आपन कहिबे केमती ना जेतबले पत्थर परिवहन कथा उठुची आज की 400 वर्ष तले 500 वर्ष तले 600 वर्ष तले 700 वर्ष तले बड़द ताऊ ये पत्थर नहीं कि जापरबनी हाथी ताऊ पत्थर को धरी टाणी टाणी नहीं पार नहीं तेणु तो जो जो जगार समुद्र तटे पत्थर हो मत्स्यजीवी मान ही बहन कर सब बलिष्ठ प्रमाण मन रखिए जोटी प्राचीन जगन्नाथ मंदिर समूह अच्छी उपकूल ओडिशारे देखिए सेठी कौटी नोलिया साइटे निश्चय थी जमीती हो मध्य थोड़ी नोलिया साइड टे नैवर्त बस्ती टे थोड़े जुआड़े 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 बुली 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 जाते एवं सेमानकु तांको इतिहास पचारे जना पड़े जे आमे एठिकार नुह तबे आपण आसिले कोठी जेतबेले से नोलिया साईर भाई मानन सहित आमे जाइतिलु मिसिबाकू पचारलु जे आपण माने एठिके आसिले केमति सेमान उत्तर देला आज्ञा माछ मारिबा मोर वृत्ति दिन जाक 24 घंटा आज्ञा समुद्र भीतर रहो आ पत्थर बुआइबो किए ना आमे जणु अभिज्ञ पत्थर बुआइबा दायित्व आमकु देले मंदिर कम चलला 8 वर्ष 10 वर्ष पिला स्त्री कौन छाड़ी रही पिला स्त्री की एटी नहीं आसिलु मंदिर सरीगला राजा ये रखईदे गड़कुजंग नुआ गाँ उपकूल एमती एक विराट नोलिया बस्ती कैवर्त बस्ती आपन देखिपारे एवं सेमाने विश्वास करती प्रभु कुंज बिहारी से एठिकी अवस्थापित होती प्रमुख दायित्व मत्स्य धरिबा खाली नुह तांकर प्रमुख दायित्व श्री जगन्नाथ तट को सुरक्षा प्रदान करवा आपन जो जो जगह को जीवे खाली मत्स्य नुहे मत्स्यजीवी मानकर भूमिका केटे सुंदर हो पारे उत्कलीय संस्कृति रे उत्कलीय परंपरा रे आपण थरे नुह बारंबार भाविबाकू चाहिए बारंबार जानिबाकू चाहिए एवं जेतबळे आपण विभिन्न काव्य को जीवे उपकाव्य को जीवे अनेक स्थान रे मत्स्यटीय मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करछि आपण कहिबे को को स्थान रे मत्स्यटीय गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करछि को स्थान रे मत्स्य को नहीं कहानी आहुरी व्यापक भावे गतिशील होइछि अनेक स्थान रे गतिशील होइछि सेमिति कहानी मानक भितरु अन्यतम कहानीटे आपंक कहवाक चाहूँगी जो कहानीटे शुणिले अंततः मत्स्य को नहीं था आपण भर विचार में परिवर्तन आस गोटे कैवर्तटीए सबुदिने माछ धरिबा को जाए एवं माछ को भोजन करे माछ को भोजन कला बेले भोजन कर सारी जेत बेले मठ को जाए कीर्तन पर मठार महंत जनक रागंती माछ मांस खाई पलि आसु हरिकीर्तन पर ये केमिति हबो काम एमिति हेले ही परिबो नाही तो देह गंध होउची तू एठू पलि जा आच्छा अडुआरे पड़ला वृत्ति रे मत्स्यजीवी खाइबो माछ माछ खाइले कीर्तन को नेउ नांती माछ खाइले खंजनी टिके बजेई पारुनी दिने नईकूल रे बड़ दुख रे बसतला कहला हईरे माछ माछ माने तमठू मोर तो दुनिया रा के बड़ सांग नांती तमकू धरे तम सहित खेले तमकू तम मोर वृत्ति तमे मोर भात तमे मोर जी रहिबार गीत अच्छा मत कहल मुझे कौन करी वृत्ति मत्स्यजीवी माछ खाइबी ना बंची पारि मुमि बंचीबी गोपाल घर पुओ घी खाइब ना बंचब कमार घर पुओ लुहा धरब ना बंचब ब्राह्मण घर पुओ पैता पकईब ना बंचब मत बड़ कष्ट हलानी मु कौन करी गोटाए बुढ़ी माछ बाहरी कहला हेरे कहबर तो भाई गोटाए बाट अच्छी ना कौन ना माछ खाइबू मांस खाइबू आईस खाइबू ना ना माने ना जा तो गुरु पाखकू तो गुरु जदि बुझेदेला तापर मो पाखक आसबु जाए गुरु को पचारा कहला आज्ञा मु आईस छाड़देवी आपड़ खाली मत गोटे कथा कहतु मत जड़े पचारा माछ खाइबू मांस खाइबू आमिष खाइबू ना आम मैंने कौन गुरु बोका हो गले कहले एक जे तेज कही से निश्चय बड़ हो आर उत्तर मो पाखे ना चल मत पाखक नहीं जा नाउरिया जनक कैवर्त जनक गुरु को सांगे धरी जा पहुँचला कौटी ना नदी कूल बुढ़ी माछ जोटी अच्छे आगू आस ना कौन ना मो गुरु कहले कही पारे हाथ टेकीदे तुम्हें टे बुझाओ माछ खाइबू मांस खाइबू आईस खाइबू ना एबे बुढ़ी माछ मुह खोली कहला कहला मु तो माछ मु चाहूँगी मत कहीं न खातु किंतु हे साधु पंडिते जानिच दुनिया सबु प्रकार जीव रही सब प्रकार जीव न रही संसार में साम्यवाद केमिति रहिबो केमिति परस्पर सहित चलिए ये आमिष खिया रे निरामिष खिया रे मनीष मार्था लोक रे मनीष को भल पाता लोक रे चोरी करथिबा लोक रे दान करुवा लोक रे किंतु चालाक लोक जी से चालाक होइकि बंचे ना केमिति ना माछ खाइबू मांस खाइबू आईस खाइबू ना ना माने ना अरे माछटा खाद्य ताकू खाऊता मांसटा खाद्य ताकू खाऊता किंतु माछ मांस सहित जो तत्वटी जोड़ी होइकि अछि मु आईस खाइली मु अमुक दिन आईस खाइबी ये भावना ही तुम विचार रे विकार तैयारी करे ताहा ही आईस आईस शब्दटी एक मानसिक शब्द अर्थात मु माछ खाऊची मु मांस खाऊची मु माछ प्रति सचेतन माछ खाइबेनी बोली कहूथिबे किंतु माछ को देखिले लाल गड़ौथिबे आ दूर कौन मिलिबो एहा ही आमिष ते कहले खाइदेबो जदि खाइदियो मते किंतु मो प्रति सचेतन ही अंतकरण रे मो प्रति दुर्बलता रखा ही श्रेष्ठतम आमिष से कम कर ना खाइबार अच्छी जदि खाई दियो खुशी हो गला कहवर तो माछा बुझेदेला माछ खाइबू मांस खाइबू आमिष खाइबू ना। अतएव कहवाक चाहूँगी प्रति खाद्य जो गुण थाऊना कहीं मनीषर सद्गुण द्वारा से रूपांतरित तो हो पाए किंतु मनीष विचार जो थे प्रदूषित हो गला भावनागत स्तर में ताहले सेठी आउ किछि करहब ना। अतएव जदि तोते लगुच तू माछ खाइबा ठीक ताहले खा, मांस खाइबा ठीक ताहले खा, किंतु आमिष खाइबू ना। अर्थात गोटे कुत्सित विचार को अंतकरण रे ग्रहण करू ना। ये सुंदर कथा। ये कथा कहला बेले आ गोटे कथा मन पड़ुची जिते चैतन्य चिंतित हो गले आसीचंती उत्कल प्रदेश। उत्कल प्रदेश रे केते केते भक्त समस्ते तांका संगे बुलुचंती। गोटे जगह दुई भाई तांको मिलले, कहला अरे ये दुई भाई किए? ये दुई भाई को आनी नाम रस रे पुरई दियो। ये दुई भाई नाम रस रे रही गले जगतर कल्याण हम। दुई भाई जाक जमा आइले नहीं। चैतन्य कहले डाकिले आसुना ना? ना आसुना ना। तां गाँव आउ को लोक डाक ना आज्ञा डाकी 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 थकी गलुणु कहते आम नाम नबू ना, आम जप करू ना, आम प्रभु को झुरबू ना। चैतन्य बड़े चिंतार पड़े। घरे घरे बुलिले, कहले भाई मैंने अमृतमय जीवन, सुंदर जीवन, अनंत जीवन, प्रभुंर नाम ने बसवे, कीर्तन करेंगे, प्रभु को स्मरण करेंगे। तो आपन को भल लगू ना? ना हाँ भल लगुच। ना जब भल लगुच ताले कहीं सामिल होना? ना सामिल होले आमको आईस छाड़िया पड़ो। आम आईस छाड़ू ना। आदिशंकर तांकर कौन सी काव्य कौन सी खाद्य को बारण कले ना। कहले जो उपकूल खाद्य जहाँ से माने सही खाद्य खातु, जहाँ को जहाँ भल लगुच से माने ताहा करंतु। जो माने सादा सात्विक खाऊँ खातु, से सात्विक आत्मा। जो माने निरामिष खाऊँ खातु, से जहा इच्छा करने को दियो। ये भाविले श्री चैतन्य। कहले ये लोक मान बदलवाकू हेले ये मानकु स्वाधीनता दवाकू पड़िबो। भोजन ए मानक वर्ष वर्षर अभ्यास, ये गोटे प्रक्रिया, आपको भांगी हम नहीं ना। ताहले कौन करवा? चैतन्य निजे कहले बाबा आज गोटे नियम करदबा। मागुर माछ झोल बेटा हरिया हरिया बोल, मागुर माछ झोल बेटा हरिया हरिया बोल ना। अर्थात मागुर माछर झोल खाओ आ हरिर नाम नियो। तापरे संकीर्तन पय आसु नथिबा लोक माने आसीबा को लागिले, किंतु परे हरि नाम रस पान कला परे आपे आपे तांको भितरे आमिष प्रति घृणा आसीगला। से माने आमिष छाड़ी देले। चैतन्य को शिष्य पचारले आज्ञा आपण कहते जे ये लोक मैंने मागुर माछ खाइबे हरि हरि बोल कहे, किंतु एमाने कोन आउ केही मागुर माछ खाऊ नांती। चैतन्य कहले तार कारण अछि, ताहा मध्ये मु तुमको जणैबी। चैतन्य हसी देकी कहले जेतबेले भितरे गोटे महाजागतिक सत्तार उदय हुए, गोटे व्यक्ति भितरे लुचिथिबा आध्यात्मिक सत्ताटी जेतबेले मेघ को फांकी देई, मेघ को काटी देई क्रमशः उज्जवल होबाकू आसु थाए, से संधिक्षण रहे छाड़ी ना छाड़ी, छाड़ी ना छाड़ी। पर जितेबाला अस्थिवाचक तत्व प्रवेश करे, नाम संकीर्तन, आध्यात्मिकता, ईश्वर आराधना इत्यादि, ता भीतर थिबा युक्तात्मक ऊर्जा आहुरी दृढ़ हुए। से अनुचित को फिंगी दिए आ उचित को धारण करे। जेणु प्रभुंकर नाम होची महोषधि। ये महोषधि जितेबाला तांका शरीर भीतर प्रवेश कला, शरीर आ कोनोसी अपखाद्य ग्रहण करबाकू राजी हैला नाही। जो शरीर आउ अपखाद्य ग्रहण करने राजी हैला नहीं, सेतबेले एमाने शुद्ध आउ सात्विक खाद्य खोजिले। आंकु लागिला जे हरि नाम रस कला परे एते स्वाद आसी जाउची, पृथ्वीर को माछ मांस मध्य से स्वाद देई परिबो नाही। तबे दर्शक बंधु, माछ को अनुकूल बा शुभ बोली कहा जाए। आपण महाप्रभु रथरे मध्य देखिबे जोटी आपण माछर छवि देखिबाकू पाइबे। आपण पचारिबे एडे बड़ रथ, रथ उपरे माछर छवि काहेकि ना? माछ सबु शुभ करे, माछ सबु कल्याण करे। जो उत्कलीय संस्कृति रे दही माछ परंपरा अछि। अर्थात दही ओ माछ ये दीटा जाक ये अनुष्ठानर शुभ करंतु, ये अनुष्ठानर कल्याण करंतु, ये अनुष्ठानर मंगल करंतु। केवल सेतिकि नुहे, मत्स्य नाम एक राशिटीए मध्य अछि जो राशि स्वभाव रे सरल एवं निरीह, किंतु से प्रकार लोक केवल गोटे स्थान में निजर निर्दिष्ट परिवेश भितर खूब आनंददायक भाव बंची पारती। से परिवेश बाहरी गले बंचवा कष्ट हुए। ठीक जमी माछ पानी रे रहिले भले रहे, पानी ऊपर को आसिले छटपट हुए। अतः माछ को नहीं आम विशेष भाव में आलोचना करें दर्शक। माछकु नहीं आलोचना करिछे कि भली भाबरे मकरध्वजंकर जन्म हला हनुमान पुत्र माछकु ले आलोचना करिछे कि भली भाबे जदुकुल वंश को विनाश करिवा पई प्रथम कारण हैला माछ आ माछकु नहीं से आलोचना मध्य करिछे कि भली भाबरे माछ हमकु जीवन दर्शन तत्व जीवन विचार तत्व जीवन यापन तत्व प्रतिपादन करिछे एवं एक कथा मध्य आलोचना करिछे माछ किभली भाबरे बृहत्तर स्थान नैछि आम संस्कृति रे माछ विषय गत 2-3 अध्याय आलोचना कला बेले आम यही कथा बुझिले माछ केवल एक जीव नुह बरं भारतीय आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति और परंपरा रे माछ गोटाए रूपकल्प माछ गोटाए चमकुथिबा चित्र जो माछ आम संस्कृति रे अनेक स्थान को अधिग्रहण करिछि। आपण खाद्य खाद्यकर संपर्क कहिले माछ होछि खाद्य। आपण महाभारत को मन पकईले माछ होछि अर्जुन गंतव्य जहाँ आखि को विद्ध न कले से द्रौपदी के विवाह करें एवं चैतन्य जीवन को आसिले माछ प्रति चैतन्य दृष्टिकोण किभली भाव में कहले मागुर माछ झोल बेटा हरिया हरिया बोल ताहा मध्य एक चमत्कार प्रसंग। तेरे माछ को नहीं अनेक सब आलोचना आम करिछे। आशा करुछु ये समस्त आलोचना आपण मानक मन को छुई थिवो आपण मानक हृदय को छुई थिवो। यदि माछ को नहीं आपण पाखे आउ किछि तथ्य अछि तबे से तथ्य मध्य आपण हमको प्रदान करिवे। आम आरंभ कहि रखिछु माछ को सर्वतत्व सहित मध्य तुलना करा जाइछि। माछ को भारतीय संस्कृति और परंपरा रे शुभ चीज भाव में कल्पना करा जाइछि। तेरे दर्शक बंधु केवल माछ नुह आगामी समय रे विभिन्न जीवजंतु संपर्क रे विभिन्न तथ्य आनी आम आसिबो आपण निकट को। प्रति अध्याय आपण को कहबो किछि नुआ नुआ कथा। आम कथा आपण को केमती लगुछि जदि कोठी भूल थाए उदार हृदय रे आपण क्षमा देबे। जदि आपण पाखे कौन से जीवजंतु को नहीं किछि बलिष्ठ तथ्य थाए तेबे ताहा मध्य आपण हमको जणैबा को भूलिबेनी। एबे समय होइछि आपण मानंठु विदाय नबर। विदाय दियंतु पुणी आपण मानंक सहित देखा हबो आगामी अध्याय रे। जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।